3 मई से मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के बीच हिंसा जारी है। ऐसे में हजारों की संख्या में लोगों ने पलायन किया है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने मणिपुर हिंसा से प्रभावित करीब 150 छात्रों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला दिया है। ये जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। उनका कहना है कि ये पहल दिल्ली सरकार ने इसलिए की ताकि वो बच्चे भी सामान्य जीवन जी सकें। जब मैं मणिपुर के बारे में हम लोग सोचते थे, सुनते थे, दिल बहुत तकलीफ होता था। हमें लगता था हम क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से एक छोटा सा काम किया। मणिपुर के कुछ लोग छोड़ छोड़ के वहां के हालात से तंग होकर दिल्ली आ गए। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन करा दिया। उनके पास सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके घर जल गए थे, उनके पास किसी तरह का स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं था। हमने बिना किसी सर्टिफिकेट के लगभग 150 मणिपुर से आए हुए बच्चों का हमने अपने सरकारी स्कूलों में एडमिशन करा दिया। तो वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यहां पर दिल्ली वालों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो दूसरे राज्यों के बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। यदि दिल्ली के 50% से ज्यादा स्कूल में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही है, या अरविंद केजरीवाल ने जो वायदा किया था गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज करने का, या डीटी से कर्मचारी आ गया, तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या अरविंद केजरीवाल ने की है, लोकतंत्र का गला अरविंद केजरीवाल ने खोता है। इसलिए बता दें, मणिपुर में हिंसा के दौर को 3 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वहां पर रोजाना ही हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। हजारों की संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं और दूसरे राज्यों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें कर रही हैं, लिहाजा सेना को भी तैनात किया गया है। For more such updates.